सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो मैं इसका अपडेट आया है Redmi Note 7 Pro का सिक्योरिटी पैच अपडेट आया 2021 का। सो भी आप देख सकते हैं कि अपडेट इज़ अवेलेबल 262 MB का जो ये अपडेट है MIUI 12.0.5.0 ये अपडेट है और मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया था। रीबूट का ऑप्शन आ रहा है, मैं देखता हूँ कि इसमें क्या क्या न्यू आया इस अपडेट में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपडेट तो अभी अवेलेबल है सिक्योरिटी पैच के लिए, यह अपडेट 2021 के लिए। अभी मैं आपको यहाँ पर चेक भी करवा देता हूँ किस चीज़ के लिए। ये देखिए कई सिस्टम अपडेट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच टू जनवरी 2021 इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। जो सिस्टम की सिक्योरिटी है गाइज इन्होंने वो 2021 की किया। सो काफ़ी अच्छी बात है कि इसकी सिक्योरिटी भी जो है साथ साथ डेवलप हो रही है और अच्छी बात है कि 2021 की अब इसकी सिक्योरिटी पैच रहेगी डिवाइस की। ये डिवाइस Redmi Note 7 Pro है। सो इसका जो अपडेट है ये सिर्फ इसलिए था कि इसकी जो सिक्योरिटी है वो इंक्रीज़ हो पाए, बस बाकी और कोई चीज़ के लिए ये अपडेट नहीं था, बस ये सिक्योरिटी पैच के लिए अपडेट था। सो भाई जैसे कि आपने देख लिया किस चीज़ के लिए ये अपडेट था। सो भी मैं फटाफट अपने फ़ोन को रिबूट करता हूँ, मिलते हैं रिबूट के बाद। सो जैसे कि गाइज मेरा फ़ोन जो है अपडेट हो चुका है, आपको चेक करवा देता हूँ। मैं ये देखूँ चेकिंग हो रहा है व्हाट्स न्यू, मेरा फ़ोन जो अपडेट हो चुका है सिक्योरिटी पैच वाला। सो गाइज जैसे कि आप देख चुके ही हैं किस चीज़ के लिए ये अपडेट था। सो जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मोटिवेशन मिलती है हमको जैसे आप लाइक करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल वाले घंटे को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।